हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है जी एक नई वीडियो के साथ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इससे पहले हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, ट्राइंगल का एरिया, टाइप ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूला सब कुछ कंप्लीट कर दिया था लास्ट वीडियो में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज बोला जाता है हिंदी में। ये ट्रेपेजियम क्या है? ये एक टू डायमेंशनल शेप है। इसे टच नहीं किया जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है, ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ट्रेपेजियम अपोजिट एनी कोई भी दो अपोजिट साइड पैरलर होंगी। कैसी होंगी? पैरलर होंगी। ए बी पैरलर है इस फिगर में डी सी के। कोई भी टू अपोजिट साइड कैसी हो? पैरलर हो। ये वाली पैरलर न हो, यानी असमांतर हो। कैसी हो? असमांतर। पैरलर का मतलब होता है समांतर। दो कोई भी साइड पैरलर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी पैरलर हो सकती हैं। इस टाइप से फिगर बनाओ आप, ये भी ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। ये वाली साइड पैरलर है, ये पैरलर नहीं है, ठीक है। इस टाइप से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके एरिया की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, पैरेलल लाइन की साइड की लेंथ। ये पैरेलल लाइन है, मैं इसे बी मान रहा हूँ और इसको ए मान रहा हूँ। इसकी लेंथ कितनी है? ए। और इसकी लेंथ कितनी है? बी, ठीक है। इससे पहले हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था, सबको याद है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसके दो ट्राइंगल बना देने हैं। क्या बना देने हैं? दो ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये फर्स्ट और ये सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इस ट्राइंगल का बेस कितना है? ये वाला बेस है। और इसकी हाइट कितनी होगी? बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करने से एरिया फाइंड होता है हमेशा किसी भी फिगर का। इसका बेस बी है, इसकी हाइट नहीं पता। ये क्वेश्चन में आपको गिविन दिया होगा, हाइट हमें 100% गिविन दी होगी। तो एक जो ट्रेपेजियम होता है, एक रेक्टेंगल मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर। तो ये वाली शेप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगी। ये रेक्टेंगल, यही होती है हाइट। ये क्या होती है? हाइट। ये क्या होगी? हाइट। इसे एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच। ये क्या है? हाइट। इसे भी क्या बोलेंगे? हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? ये हाइट है। तो हम ट्राइंगल फर्स्ट है उसका एरिया फाइंड कर ले रहे हैं। जो ट्राइंगल फर्स्ट है उसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। बेस कितना है इसका? बी। और हाइट कितनी है? एच। हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल टू की बात करते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसका एरिया हमें पता चल गया, इसका एरिया पता चल गया और इसका एरिया पता चल गया। अब पूरे का एरिया फाइंड करना है, इस कंप्लीट का एरिया फाइंड करना है। सोचो क्या करना पड़ेगा? दोनों को प्लस कर दो। क्या कर दो? दोनों को प्लस कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड, ठीक है। सिंपल है। हाफ बी इंटू एच प्लस हाफ बी इंटू, ये ए साइड है, क्या है? यहाँ गलती होगी। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका? ए। कितना है? ए। ये हमेशा ध्यान रखना, बेस इसका बेस कितना है? ए। इंटू हाइट दोनों में सेम रहेगी, हाइट दोनों में ये सेम रहेगी, ठीक है। दोनों को प्लस कर दे रहे हैं। यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ भी
यहाँ ए, यहाँ एच, यहाँ एच, कहने का मतलब यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ हाफ है और हाफ है हाफ, और एच को कॉमन ले लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ बाहर ले लो, एच भी बाहर ले लो, है ना, एच भी बाहर ले ली, अंदर क्या बचा, बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। 5 सेंटीमीटर गिवन होती है, ये कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो 5 + 10 कितना हो गया, 15, और हाइट इसकी होती 8 सेंटीमीटर, कितनी, 8 सेंटीमीटर, 5 + 10, 5 + 10 कितना हो गया, 15, 15 का एच में मल्टीप्लाई कर दो, एच कितना है, 8, 15 8 जा 15, 8 120, यानी 15 8 जा 120, 5 + 10 इंटू एच है 8, फिर हाफ कर देना है, 10 + 5 15, 15 8 जा 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो डायमेंशन स्क्वायर में होगी, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं एरिया के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, एरिया समझ में आ गया, ठीक है, बुक्स में देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को, इरेज कर रहा हूँ मैं। आपने लर्न किया होगा, ये बी वन है, ये बी टू है, लेंथ कितनी है, बेस बी वन है और ये वाला बेस बी टू है, दो ट्राइंगल हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ बी वन प्लस बी टू इंटू एच इंटू एच, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइए, थैंक यू क्लास। आगे पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइए, थैंक यू।